हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, कौन होगा, कौन होगी आपका लाइफ पार्टनर, ओके, एंड आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा उनके साथ। सो आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड्स हैं। ये है कार्ड नंबर 1, कोर्टशिप कार्ड। नंबर 4, कोर्टशिप। एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2, कम्युनिटी कार्ड। नंबर 39। ओके, सो जो भी कार्ड इमेज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो वाला कार्ड चूज कर सकते हैं। देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ दी ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने चुना है कोर्टशिप वाला कार्ड। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। पीछे एक एंजल भी है और यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि उनका रिश्ता फिक्स हो गया है या उनकी एंगेजमेंट हो रही है। एंड होल्डिंग हैंड्स, मे बी आपके पार्टनर को जो है आपका हाथ पकड़ना बहुत पसंद हो, या आप हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखो आप कहीं भी जाओ, या वो आपका हाथ जो है वो लाइफ टाइम नहीं छोड़ने वाले, एक बार अगर पकड़ लिया तो वो आपका साथ हमेशा देंगे। इस तरह के पर्सन होंगे ये। लेट्स सी कि सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगी वो कैसे होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, क्या क्वालिटीज़ होंगी उनमें, आपके लाइफ पार्टनर का नेचर। ग्रुप नंबर 1। एस ऑफ कप्स। वाओ, टू ऑफ कप्स। एंड द मून। ये जो पर्सन है ये काफी इमोशनल होंगे। सबसे पहली बात तो ये है, अब ये लड़के हैं लड़की हैं, देखिए अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लो। आपके लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत इमोशनल होंगे। एंड इनका इनके एक हॉरोस्कोप में जो वाटर साइन है वो डोमिनेटिंग हो सकता है। इनका जो मून साइन या सन साइन या हॉरोस्कोप में जो डोमिनेटिंग साइन है वो वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, राइट। बहुत इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन। एंड एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड, इस पर्सन का इंट्यूशन लेवल तो बहुत ही हाई होगा। इमोशंस के बेस पे चलते होंगे ये पर्सन आगे, ठीक है। आपके लिए बहुत पोजेसिव होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। जैसे कि यहाँ पे ये जो पर्सन है कितनी केयर कर रहा है अपने पार्टनर की, बोथ वेज, ओके। एंड ये पर्सन ना बहुत लॉयल होंगे आपके लिए। ये मतलब अगर आप जब आपसे प्यार करेंगे तो बस ये लाइफ टाइम बस आपसे ही प्यार करेंगे, फिर इनकी लाइफ में और कोई कभी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत लॉयल होंगे ये पर्सन। आप में से काफ़ी लोगों की शायद लव मैरिज हो सकती है, कि आप इस पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो या आप जानोगे इन्हें पहले शादी से, ओके। एंड आप दोनों के बीच में प्यार होगा, एक कमिटमेंट होगा, उसके बाद आप दोनों शादी करोगे। एंड प्यार दोनों तरफ से बराबर का होगा, जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार ये पर्सन भी करेंगे आपसे। एंड बहुत इमोशनल रिलेशनशिप होगा, जैसे कि मतलब आपकी हर एक चीज़ इस पार्टनर को बॉदर करेगी। आपका हंसना, आपका रोना, आपका इनसे नाराज़ होना, आपका बात नहीं करना, मतलब हर एक चीज़ इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ओके। एंड जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना ही प्यार ये आपसे रिटर्न में भी चाहते हैं, चाहती हैं, ओके। हो सकता है कि शुरू में शायद लोग ना माने इस रिश्ते के लिए, कुछ लोगों के केस में, या लोग भड़काने की कोशिश करें आपको या उनको, बट आप लोग नहीं सुनने वाले हो, राइट। आप लोग एक्चुअली सुनोगे अपने इंट्यूशन की, यू विल नॉट केयर कि दुनिया क्या बोल रही है, ओके। एंड अगर आपका इंट्यूशन आप दोनों का ही कह रहा है कि आप दोनों सही हो, तो डेफिनेटली आप दोनों सही हो एक दूसरे के लिए। एंड प्यार बहुत होगा एंड प्रोटेक्शन बहुत होगी फ्रॉम दी एंजल्स, बिकॉज इस पिक्चर में भी क्यूपिड है, एंजल है, यहाँ भी। सो डिवाइनली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप और काफ़ी हरा भरा रिलेशनशिप, मतलब कि प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी इस रिश्ते में, अबंडेंस बहुत होगी इस रिश्ते में। एंड मे बी इस पार्टनर को ना ग्रीनरी टाइप जगह बहुत पसंद हो सकती है, राइट। एंड इस पार्टनर के पास एक पेट भी हो सकता है, डॉग स्पेशली, ओके। एंड ये पार्टनर को ना
फ्लावर्स देना, ग्रीन जगह पर टाइम स्पेंड करना, वो बड़ा पसंद होगा, नेचर बहुत पसंद होगा इस पार्टनर को। ये पार्टनर ज़्यादा ओल्ड नहीं होंगे, मतलब यंग एज, मतलब 30s 33 तक हो सकते हैं पर्सन। ओके, एंड काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, लड़के हैं लड़की हैं, गुड लुकिंग। शायद कुछ लोगों के केस में ये आउट ऑफ कंट्री रिलेशनशिप भी हो सकता है कि आपके रिलीजन के ना हो, लाइक कोई फॉरेनर हो सकते हैं पर्सन, कुछ के केस में, लाइक सबके केस में नहीं। ओके, एंड मे बी इस पार्टनर के घर में एक छोटी बच्ची भी हो सकती है, मतलब या तो उनके भाई की डॉटर या बहन की डॉटर, एक छोटी लड़की हो सकती है इनके घर में। कुछ लोगों के केस में ऐसा है, राइट, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो जो बात रेजोनेट हो रही है वो ही रखो। ओके, एंड आप एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, मतलब आप एक दूसरे की कमियां भी गिनाने वाले हो, अच्छाइयां भी गिनाने वाले हो, बेसिकली आप एक दूसरे के मिरर बनोगे। ओके, पार्टनरशिप आपका बॉन्ड इस तरह का होगा कि जो कमियां हैं आप वो बताओगे तो वो आप उसको सही भी करोगे। ओके, और जो अच्छाइयां हैं आप उसको अप्रिशिएट भी करोगे। इस तरह का आपका बॉन्ड रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा इस पर्सन के साथ। ओके, चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों का शादी के बाद जो है एक इमोशनल रोमांटिक पार्टनरशिप बॉन्ड कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर वन, ओ वाओ, लव, ये कितनी लव, लव और रोमांस फुल है इस रीडिंग में यार। ग्रुप नंबर वन, ये इस रिलेशनशिप का जो रहेगा ना बेस फाउंडेशन, वो लव रहेगा। जब तक आपके बीच में लव है, आपको कोई हिला भी नहीं सकता, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, और लव लाइफ टाइम रहेगा आप दोनों का। सेल्फ लव भी और एक दूसरे के लव भी, लव एंड रिस्पेक्ट तो रहेगी, और इस पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत 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 प्यार होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे ये पर्सन आपसे। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये दिखाता है उस साइड को कि जहाँ पे इनसिक्योर, डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी, ये इमोशंस से बचना है आपको और आपके पार्टनर को भी। लाइक प्यार इज़ फाइन, लाइक आप मान लो प्यार करते हो अपने पार्टनर, दैट इज़ फाइन, बट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखना या बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव होना, बिकॉज जहाँ प्यार होता है वहाँ पोजेसिवनेस और ये सब आता है, बट ओवर मेक श्योर कि आप ना करो उन चीज़ों को, आप एक लिमिट तक ही रखो। और दैट वो शक करना या थोड़ा सा ओवर इमोशंस दिखाना, वो भी ज़्यादा सही नहीं है, बिकॉज ओवर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो मेक श्योर कि आप इतना ज़्यादा भी ना करो कि आप अपनी पहचान खो दो, तो अपनी जो ये साइड है आपकी फेमिनिन साइड, इसको आपको डिस्टॉर्टेड नहीं करना है, आपको इसको डिवाइन ही रखना है। डेटिंग, तो आपकी डेटिंग शादी के बाद भी चलती रहेगी, ठीक है, आपको घुमाने फिराने और फ्लावर्स देना, आपके लिए फ्लावर्स लेके आना, आपको पैम्पर करना, ये शादी के बाद भी बंद नहीं करने वाले। लड़के हैं लड़की हैं तब भी, ओके, और मे बी आपका गार्डन होगा सुंदर सा, लाइक इस पार्टनर को ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये सब बहुत पसंद है, तो एक अच्छा सा गार्डन हो सकता है इनके घर में, और आप दोनों ही मिलके साथ में गार्डनिंग करो, पौधे लगाओ, तो आप दोनों को पसंद होगी ये चीज़ें। अब देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल के लिए कुछ कार्ड्स। ग्रुप नंबर वन, इमोशनल लॉस, आई थिंक आप लोगों का ना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है आपका, आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है पास्ट में जहाँ पे आपको प्यार नहीं मिला, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो अटेंशन नहीं मिला, तो ये पर्सन ना आपका वो इमोशनल लॉस कवर करने वाले हैं अपना प्यार देख के। तो ये लॉस हुआ है, आपको इतना प्यार देंगे पर्सन कि आप उस चीज़ को एक्चुअली में आप भूल जाओगे। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, नंबर 5 5, सो आपकी प्रेजेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट, तो आपको कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद जलें आपसे, आपको चाहें कि आपका रिलेशनशिप टूट जाए, आप लोग डिफीट हो जाए, आपके बीच में दरार पड़ जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, राइट, तो ये इन चीज़ों से आपको बचना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, बिकॉज जो रिलेशनशिप प्योर होता है उसको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों को कट ऑफ रखें जो कि आप
जिनसे आपको वाइब आती है कि यू नो ये अच्छे नहीं हैं, ये आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। एंड हार्ट चक्रा बेसिकली आपका रिलेशनशिप जो सोली एंड सोली डिपेंडेंट है, वो दिल के ऊपर डिपेंडेंट है, हार्ट के ऊपर, लव के ऊपर, और वहीं से फील करते हैं, राइट। तो ये पर्सन दिल से आपको प्यार करेंगे, तो जब यू नो आप उनको कुछ भी कह भी दोगे तो काफ़ी हर्ट भी फील करेंगे, सिमिलरली आप भी हर्ट भी फील करोगे, लेकिन आपका बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा, प्यार इतना स्ट्रांग होगा कि आप कभी एक दूसरे से दूर नहीं होगे, हमेशा वो जो प्यार है ना वो रहेगा। जब तक प्यार है रिलेशनशिप में तब तक सब कुछ सही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी आप दोनों की। हम कुछ मंथ्स निकाल लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए कि आप इस पर्सन से इन मंथ्स में मिल सकते हो, या आपकी शादी हो सकती है इन मंथ में, उनका बर्थडे हो सकता है इन मंथ में। ये वी हैव सितंबर, मार्च, हम 6 महीने निकालेंगे, दिसंबर, फेब, मई एंड वी हैव जुलाई। सो ये मंथ्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर ग्रुप नंबर वन, सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। सी आपकी मैरिड लाइफ एक्चुअली में बहुत खुश और एक वेल बीइंग से ही गुजरेगी, इस सन कार्ड आया आपके लिए, सो काफ़ी खुश रहोगे आप दोनों, राइट। एंड होता ये है ना कि दो इमोशनल लोग आपस में आ जाते हैं तो थोड़े बहुत इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट तो चलते ही रहते हैं, राइट, बिकॉज वो भी इमोशनल है आप भी इमोशनल हो, बट वो इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट इज़ फाइन। आप लड़ोगे लेकिन प्यार के लिए लड़ोगे अपने। स्टार गारंटीड सक्सेस, सी स्टार सन, आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी, ट्रू सोलमेट से आपकी शादी होगी, ओके। एंड स्टार सन लाइक सक्सेस, सक्सेस, हैप्पीनेस, एंड ग्रेट वरी ओवर नथिंग, बेल कार्ड। तो आपको व्हाट लाइक ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो आपको मेजर टेंशन तो कुछ भी नहीं होगी शादी के बाद, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे, प्यार हमेशा रहेगा। थोड़ा बहुत तो परफेक्ट लाइक परफेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, 100% परफेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन ये है कि प्यार हमेशा करेंगे, पार्टनर आपकी केयर हमेशा करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो सक्सेसफुल रहेगी, आप दोनों खुश रहोगे, और जो बातें मैंने आपको बताई है आपको बस उसका ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर यू गाइज, ग्रुप नंबर वन, ओके। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर वन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू। हाय गाइज, ग्रुप नंबर टू आपने चूज़ करा है कम्युनिटी कार्ड। यहाँ पे देख रहे हैं अभी कम सब लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, कम्युनिटी है एक, सो मे बी आप इस लाइफ पार्टनर से मिलो थ्रू योर कम्युनिटी, थ्रू योर रिलेटिव्स कुछ लोग, ओके। एंड आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे इस रिश्ते से, सब लोग काफ़ी खुश होंगे इस रिश्ते से, एंड या सब लोग इकट्ठा होंगे आपकी खुशियां मनाने के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो कैसे होंगे, कैसी होंगी। सबसे पहले वील चेक कि उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, जो भी आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर टू, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर की जो बर्थ चार्ट है उसमें एयर साइन काफी डोमिनेटिंग हो सकता है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, या फिर फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, साइन कोई भी हो, दीज आर लाइक द डोमिनेटिंग जनरल साइंस, ओके। सो
आपके पार्टनर जब माइंड से बहुत शार्प होंगे, बहुत इंटेलिजेंट उनकी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाकिया होंगे, मस्ती मजाक करने वाले होंगे, ड्रेसअप होना बहुत पसंद होगा, ठीक है, अपने आप को वो एज अ किंग और क्वीन ही मानते होंगे, उनकी नज़रों में वो किंग है, वो क्वीन है, वो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते होंगे, ठीक है, बहुत लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होगा उस पर्सन को, एंड बोलने में काफ़ी ब्लंट होंगे, मतलब जो चीज़ उन्हें बुरी लगी है वो साफ बोलेंगे, मुझे ये चीज़ बुरी लगी है, एंड ये नहीं कि दिल में रख रहे हैं बातों को, लाइक जो भी दिल में है वो ज़ुबान पे है, कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे, ठीक है। पढ़ाई में या जॉब में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, राइट, वेल सेटल्ड होंगे ये जो पर्सन होंगे, एंड मस्ती करना, मजाक करना, और जोक्स भी इनके अलग लेवल के ही होंगे, आप समझोगे, ऐसे नॉर्मल ऐसे जोक्स नहीं, फालतू के अलग इंटेलिजेंट जोक्स, जो पर्सन होता ना कि जिसका लेवल अलग ही है ब्रेन का, वो। पर ये पर्सन में ना सबसे बड़ी कमी ये होगी कि ये पर्सन ना कोई भी डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते होंगे, बहुत कंफ्यूज रहते होंगे लाइफ में, तो शादी करने का भी सोचते होंगे, तो फिर लाइक कि करूँ मैं ना करूँ, करूँ ना करूँ, राइट, इस तरह के डिसीजन की, किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ ना करूँ, कोई चीज़ खरीदनी है तो ये चीज़ लूँ या वो चीज़ लूँ, लाइक कन्फ्यूजन इस पार्टनर को बेसिकली रहता होगा लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन ना मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ इनके पास आए वो बेस्ट आए, ये कुछ भी एवरेज चीज़ नहीं चाहते हैं, तो अगर मान लो इनको कोई एक चेयर भी लेनी है तो भी दे वॉन्ट की लाइक इनके पास जो बेस्ट से बेस्ट चेयर है वो आए, राइट, इनको कुछ भी चाहिए, या इनको कुछ एक फ़ोन भी लेना है, या इनको, अब लाइफ पार्टनर की बात है तो लाइक लाइफ पार्टनर चाहिए तो लाइफ की बेस्ट आए इनके लिए, जो भी आए, राइट, तो अगर ये आपको चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली अपने आप को लकी समझना, क्योंकि मे बी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो रिजेक्ट किए होंगे कि आप इनको सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहे हो, राइट, तभी आपको चूज़ करेंगे, इनकी इनका जो थिंकिंग लेवल है या आप इनको बहुत अंडरस्टैंड करोगे, दैट्स वाई आपको चूज़ करेंगे, सो आप इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दोगे, सो माइंड से जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, ओवर सोचते होंगे, और इस पार्टनर को ना मल्टी टास्क करना बड़ा पसंद होगा, इस पार्टनर को ना फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इस पार्टनर को कुछ ना कुछ करते रहना पसंद होगा, इस पार्टनर को नफरत होगी अपनी लाइफ में फ्री बैठने से, ये पार्टनर को पसंद है स्पीड की, कुछ ना कुछ चलता रहे लाइफ में, कुछ ना कुछ मैं काम करता रहूँ, काम करती रहूँ, सो ये पार्टनर मल्टी टास्किंग कर सकते हैं कि हाँ ये काम कर रहे हैं साथ में वो भी काम कर रहे हैं, सो ये पार्टनर में एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा, सो दे लव मल्टी टास्किंग, ये पार्टनर शायद यू नो आपसे काफ़ी दूर रहते हों और आप इसे जब फर्स्ट टाइम मिलो या बात करो तो मे बी आप वीडियो कॉल पे करो या ऑडियो कॉल पे करो या आप इनसे यू नो दोज वेबसाइट्स पे कहीं मिलो, आप इनसे लाइक यू नो मैट्रिमोनियल और समथिंग यू नो एनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप मिल सकते हो, या ऐसा नहीं है तो मोस्टली आपका रिलेशनशिप जो रहेगा वो लॉन्ग डिस्टेंस रह सकता है कुछ टाइम तक, क्या फ़ोन पे ज़्यादा बातें करो इस पार्टनर से, या ये दूसरी कंट्री में ही रहते हो कुछ लोगों के लिए, ऐसा ऐसा दिख रहा है मुझे, एंड इस पार्टनर को यू नो तेज़ स्पीड पसंद होगी, लाइक तेज़ गाड़ी चलाना या तेज़ बाइक चलाना या तेज़ यू नो दैट हाई स्पीड कार्स में बैठना बड़ा शौक होगा इस पर्सन को, और इस पार्टनर को ना एडवेंचरस स्पोर्ट्स और इस तरह का बहुत क्रेज़ होगा, मे बी इनको पसंद हो इस तरह की चीज़ें, राइट, सो बेसिकली बहुत एक्टिव पर्सन है ये, और लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना इनको बड़ा पसंद है, राइट, सो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और लाइफ में आगे बढ़ने वाले पर्सन, खुद भी आगे बढ़ते हैं लाइफ में, आपको भी आगे बढ़ने के लिए पुश करेंगे या करेंगी, इस तरह के पर्सन होंगे ये, हर काम में अपने आप को ये नंबर 1 पर रखना पसंद करते हैं, हर काम करते हैं ये तो उसको एक्सेलेंट वे में कैसे करना करते हैं वो इस पार्टनर को आता है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आप दोनों का रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड कैसा रहने वाला है आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज ग्रुप नंबर 2, आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक इमोशनल बॉन्ड। डिवाइन मास्कुलिन होंगे ये पर्सन एक्चुअली में। Distorted feminine,
रेनबो रिवाइवर। अब ये पार्टनर की एनर्जी जो होगी वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होगी, मतलब इनको लाइफ में आगे बढ़ना, प्रैक्टिकल रहना, अर्न करना, राइट, अपनी मतलब जैसे डिवाइन मैस्कुलिन उसकी केयर करना, सबकी एक फैमिली को पूरा चलाना, ये इनको अच्छे से आता है। बट इमोशनल उसमें थोड़े से ये पीछे रह जाते हैं, मतलब इतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे अपनी फीलिंग्स को लेके, या बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिक नहीं होंगे, ओके, या अगर होंगे भी तो भी इनको नहीं आता होगा शो करना, या कैसे रोमांस कैसे करा जाता है, गिफ्ट्स कैसे दिए जाते हैं, पैम्पर कैसे करा जाता है, राइट। तो ये सब आप जो है वो आप इनको सिखाओगे, राइट, तो ये करेंगे भी आपके लिए। या मेरे को ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये तो अपनी डिवाइन एनर्जी में रहेंगे, बट आप थोड़े सा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रह सकते हो। तो आप अपनी एनर्जी को, आपको अपलिफ्ट करना है तो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जो हो आप एक बहुत ही इमोशनल बीइंग हो, आप एक इमोशनल पर्सनालिटी है आपकी, और ये जो पार्टनर है ये इतने इमोशनल नहीं होंगे, ठीक है। तो उस वजह से शायद थोड़ा सा पर्सनालिटी वाइज थोड़ा सा वो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन पाल लो, ओवर डिपेंडेंट हो जाओ इनके ऊपर कि वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करें। ऐसा नहीं है कि वो आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा करेंगे, वो आपसे प्यार करेंगे, आपके लॉयल रहेंगे, बट आपको भी अपने आप को खुश रखना है। जैसे कि आप जो हो आप इमोशनल हो, तो आप जो हो आप इनको थोड़ा सा इमोशनल थिंग्स सिखाओगे तो ये सीखेंगे, और ये जो है ये प्रैक्टिकल है तो ये आपको थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकल बनाएंगे जो कि आपके लिए अच्छा है, जो कि आप सीखोगे। सो आप दोनों ही एक दूसरे से सीखने वाले हो बहुत कुछ, ओके। एंड रेनबो रिवाइवर, सो काफ़ी कलर्स आएंगे आपकी लाइफ में, काफ़ी घूमोगे फिरोगे, इन्जॉय करोगे अपनी ज़िंदगी को, आप काफ़ी फ्रीडम मिलेगा आपको इस पार्टनर के साथ, और वो अपनी लाइफ को इन्जॉय करने का, और बेसिकली सारे जो आपकी लाइफ के जो कलर्स खो गए हैं ना उसको फिर से वापस लाने का लाइफ में। सो बेसिकली वो जो कहावत क्या होता है, वो लाइन एट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये वो वाला रिलेशनशिप रहेगा कि आप दोनों ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, बट फिर भी अट्रैक्शन जो होगा ना वो इतना ज़्यादा होगा आपके बीच में। देखते हैं कि ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी ग्रुप नंबर टू में। पावर पावर कपल बनोगे आप, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट पावरफुल कपल इस तरह के। मेमोरीज ऑफ लव, काफ़ी सारी मेमोरीज भी क्रिएट करोगे अपने प्यार की। ऐसा नहीं कि पर्सन आपसे प्यार बिल्कुल ही नहीं करेंगे, प्यार तो करेंगे तभी शादी करेंगे आपसे, बट इतने एक्सप्रेसिव शायद ना हो, तो आप इनको सिखाओगे और आप बहुत सारी फिर वो रोमांटिक मेमोरीज भी बनाओगे, और जबकि पर्सन आपके साथ रहेंगे तो इनको प्यार करना आएगा, इनको प्यार का मतलब पता चलेगा, तो फिर आपके लिए गिफ्ट्स भी लेके आएंगे, आपको प्यार भी करेंगे जिस तरह से आप चाहते हो, राइट। सो बहुत सारी मेमोरीज जो है आप क्रिएट करने वाले हो इस पार्टनर के साथ। बैलेंस, सो बैलेंस रहेगा आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में, ओके, एक बैलेंस मैरिज रहेगी कि इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, जितना आप दे रहे हो उतना ये पार्टनर भी देंगे आपको। एंड एक जैसे पार्टनरशिप होनी चाहिए ना, आइडियल पार्टनरशिप, बैलेंस करना रिलेशनशिप को, नंबर 11, वो तो एक बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा आपका, ओके। प्रॉब्लम्स मेजर कुछ भी नहीं है, अगर प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो भी आप दोनों पावर कपल हो, आप लड़ लोगे उन प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है आपके प्यार और आपके कमिटमेंट के आगे। ये पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, ये डिवाइन मास्कुलिन बहुत लॉयल होंगे, ये पार्टनर आपके लिए कमिटेड होंगे और स्ट्रॉन्ग माइंडेड होंगे ये पर्सन, ठीक है। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है ये लाइफ में, और आपको भी उतना ही कॉन्फिडेंट बनाने वाले हैं आगे जाके। सो बहुत ही स्टेबल मैरिड लाइफ, जैसे कि आइडियल मैरिड लाइफ जो होती है ना, वो तरह की मैरिड लाइफ होगी ये, जहाँ पे सब कुछ होगा आपके पास। चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट मंथ्स निकालते हैं आपके लिए, ये इनका बर्थडे हो सकता है, या फिर आपकी शादी इन मंथ्स में हो, या आप मिलो इनसे इन मंथ्स में, ओके। चलिए देखते हैं, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, अप्रैल एंड फरवरी। और देखते हैं आपके
शादी के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ग्रुप नंबर टू। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। सो ये इस पार्टनर शादी होने के बाद आपकी लाइफ के जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ पे आप पहले नहीं गए हो, और आपके लिए वो डिवाइन डोर्स जो है वो ओपन होंगे। सो बेसिकली ये जो पर्सन है ये आपको सपोर्ट भी करेंगे उन चीज़ों में, और आप भी करोगे उनको। सो नए दरवाजे खुलेंगे आपकी किस्मत के इस पार्टनर से मिलने के बाद, इस पार्टनर से शादी होने के बाद। सो काफ़ी लकी रहेगी ये मैरिज आपके लिए। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। सो कुछ भी रिस्की नहीं करना है आपको इस पार्टनर के साथ, लाइक यू नो आपको एकदम आराम से रहना है, लाइक अपने रिलेशनशिप के सेक पे आपको कुछ भी दाव पे नहीं लगाना है, आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। ओके आपको लाइक बैलेंस में रहना है, राइट? अब इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए रिलेशनशिप होना चाहिए। इस रिश्ते से बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। बस आप इतना स्ट्रांग कपल हो गए ना कि लोग मे भी आपको कोशिश करें ब्रेक करने की, बट आप नहीं हो गए। वाह, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। तो बिल्कुल डोर जो है ये खुल गया है आपका, और ये नई अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ आपके लिए खुलेंगे। मे बी आपका जो करियर लाइफ है वो इस पार्टनर से मिलने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो जाए, आपको नए रास्ते मिले अपने करियर के लिए, या आपको यू नो एक नया, बिल्कुल नई आपकी लाइफ हो जाए इस पार्टनर से मिलने के। अभी तक अगर आपकी लाइफ बहुत डल और बोरिंग चल रही है, सो आफ्टर मैरिज आप दोनों बहुत घूमोगे, बहुत इंजॉय करोगे, नई नई जगह देखोगे, ठीक है, साथ में बहुत टाइम स्पेंड करोगे, और सब कुछ नया एनवायरनमेंट होगा आपके लिए, और आप जो अभी तक नहीं एक्सपीरियंस करा अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस करने वाले हो। न्यू डोर्स विल ओपन फॉर यू। यहाँ पे एक कार्ड गिर गया था आपके लिए विच वॉज एक्साइटमेंट। सो काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा आप दोनों का शादी में, काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी एक्साइटेड रहोगे एक दूसरे के लिए हमेशा, राइट? एंड काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें करोगे साथ में। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैरिज रहेगी आपकी। ओके सो ग्रुप नंबर टू ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।